हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। अगर यूएस के तरफ से कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल या इनफैक्ट यूएस के प्रेसिडेंट अगर थोड़ा सा भी भारत का या हमारे सरकार का तारीफ कर देते हैं तो हम उसी तारीफ के आसपास अपनी मनगढ़ंत कहानियों को बुनना शुरू कर देते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि बीते कम से कम एक सालों में 10 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएस जो कि डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। रिसेंट जो डेवलपमेंट देखने को मिला है उसके तहत गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजीत डोवाल, हमारे एक्स रॉ के चीफ प्लस कुछ और भी लोगों को समन किया गया है। यहाँ पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे भारत को लेके तो ये हमारे अगेंस्ट ही स्टेटमेंट देता है। प्राइमरीली ये भारत को तोड़ने की बातें करता है और इसके प्राइम एजेंडा में पंजाब रहता है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा आप और भी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू या इनके जैसे जो लोग हैं उनको डायरेक्टली कम से कम दो देश तो सपोर्ट करते ही हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। और इसके आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे ये डायरेक्टली थ्रेट करता है और कितनी बार ये कह चुका है कि ये एयर इंडिया का या और भी कुछ एयरलाइंस जो प्राइमरीली इंडिया से ऑपरेट होते हैं या इंडिया को आते हैं उसको उड़ाने की ये बातें कर चुका है। तो पिछले साल यूके बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स में नवंबर के महीने में एक रिपोर्ट छपता है जहां पे ये बताया जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का अटेम्प्ट किया गया था जिसको कि यूएस के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम कर देते हैं। और ये जो अटेम्प्ट किया गया था मारने का, इसके पीछे हमारे रॉ का हाथ था और भी रॉ के द्वारा और कुछ लोगों को सपोर्ट किया गया था इसको मारने के लिए। इससे पहले एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ था पिछले साल के जून जुलाई के महीने में जहां पे हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया जाता है। जहां तक बात किया जाए गुरपतवंत सिंह पन्नू या हरदीप सिंह निज्जर के बारे में तो इनका एक बहुत ही बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलता है जहां पे ये बहुत अलग अलग तरीके का जो इलीगल बिजनेसेस होते हैं वो करते हैं। तो कितने बार जो किलिंग होता है ये इनके खुद के कारण के लिए भी किलिंग होता है। और जब हरदीप सिंह निज्जर को भी मारा गया था जिसको कि कनाडा में मारा गया था तो उस वक्त भी यूएस ने एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस शेयर किया था कनाडा के साथ में, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में यानी कि अक्टूबर के महीने में बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप डिटेल्स वगैरह को शेयर करें। लेकिन टिल डेट अब तक कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आया है कि कनाडा ने किसी भी तरीके का कोई जो डिटेल्स था वो हमारे साथ शेयर किया था। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो यूएस हमें खुश करता है या पुश करता है चाइना खिलाफ में, वहीं दूसरी तरफ शायद हम लोग भी इतना ही बेवकूफ हैं कि अगर थोड़ा सा अगर कोई तारीफ कर देता है चाहे जो बाइडेन हो गया या ट्रंप हो गया तो हम उस खुशी में पागल हो जाते हैं। सो देश जितना बड़ा होता है उतना ही डिस्कशन होता है उस देश के चुनाव को लेके। तो इसी साल के 5 नवंबर को यूएस में चुनाव है जहां पे दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है कमला हैरिस। तो एक रिसेंट स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का जहां पे वो अपने पीएम मोदी को कहते हैं कि वो एक फैंटास्टिक आदमी है। ध्यान रखा जाए कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको बहुत देर नहीं लगता है अपनी बातों को बदलने में या अपनी बातों से मुकरने में, वैसा ही कुछ हम ट्रंप के साथ भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि न्यूयॉर्क हो गया चाहे ओवरऑल जो यूएस हो गया वहां पे अच्छा खासा प्रेजेंस है हम इंडियंस का। तो ये सब भी एक तौर तरीका होता है जहां पे आप किसी भी देश का जो कल्चर है उसका उसके बारे में आप कुछ अच्छा बोले ताकि वहां के जो लोग हैं वो इमोशनली चार्ज हो जाएं और उसके बाद वो आपको वोट कर दें। और साथ में जो स्टेटमेंट दिया गया ट्रंप के द्वारा उसके बाद इंडियन मीडिया ने कुछ इस तरीके से दिखा दिया जैसे कि जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात के ऊपर भी जिक्र किए कि इसी स्टेटमेंट में एक और बात कहा गया है ट्रंप के द्वारा, वो ये है कि भारत जो टैरिफ है उसको बहुत ही बड़े पैमाने पे अब्यूज करता है। मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि यूएस की जो मार्केट है ये ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट है लेकिन जो भारत है ये अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अगर हम बाहर से खूब सारे सामान मंगाएंगे तो उससे जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके पास कोई वजह नहीं बच जाएगा अपने सामान को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपने इम्पोर्ट है उसके ऊपर हाई टैरिफ रखना पड़ेगा ताकि जो बाहर से जो सामान आ रहा वो देश में जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उससे अधिक कीमत पर रहे। तो लमसम यही कुछ कहने का मतलब था ट्रंप का जहां पे वो चाइना के बारे में कहते हैं कि चाइना सबसे टफेस्ट है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से यूएस या यहां के लीडर्स हमारा तारीफ करते हैं तो वो एक्चुअली हमारा तारीफ नहीं करते हैं बल्कि वो किसी भी तरीके से इंडिया का इस्तेमाल या इंडिया को यूज करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। अगर किसी भी तरीके से भारत चाइना के इतना मजबूत हो जाएगा तो चांसेस बहुत हाई है कि भारत और यूएस के भी जो रिलेशन है ये भी इतना ही बुरा हो जाएगा जितना आज के डेट में यूएसए और चाइना का। 21, 22 और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी
मोदी यूएस में रहेंगे जहां पे वो क्वाड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड एक ग्रुप है जिसका मेंबर है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलमोस्ट एक प्रो यूएस कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ इतने अच्छे नहीं है। और जहां तक बात किया जाए भारत के बारे में भी, तो हमारे भी रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे नहीं है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक एंटी चाइना ग्रुप है। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया या जापान हमें किसी भी तरीके से बहलाए फुसलाए और हमें एज एन मेन ओपोनेंट खड़ा कर दे एशिया में चाइना के खिलाफ में। वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं पीएम मोदी का यूएस जाना, लेकिन उसमें से जो दो तीन चार बातें जो अब तक पब्लिक डोमेन में आया है, एक बात और याद दिला दूं कि जब भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कुछ तो एक ऐसा एजेंडा होता है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मीटिंग्स होते हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया जाता है। तो इसी विजिट में एक और चीज के ऊपर डिस्कशन होना है, वो ये है कि यूएस से भारत 31 ड्रोन खरीदने वाला है, लेकिन जो ड्रोन खरीदने वाला है भारत यूएसए से, इसी ड्रोन को अभी रिसेंटली जो हाउतीज रेबल थे उन्होंने मार के गिरा दिया। तो कहने का मतलब है कि कितने बार जो प्रोडक्ट होता है वो ऑन पेपर्स काफी अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसको रियल ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि एक दो इंसिडेंट को आप एज एन एग्जाम्पल बना के आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत जो प्रीडेटर ड्रोन लेने वाला है यूएस से वो खराब है। उसके बाद जो और भी अलग अलग कंपनीज के जो सीईओज रहेंगे उनसे भी हम मिलने वाले हैं और उनको हम इनवाइट करेंगे भारत में कि आप भारत में आए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, जहां पे आपको भारत की जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट करके मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, टेस्टिंग वगैरह को आपको आगे बढ़ाना है। अगर इसको हम बहुत ही कम शब्दों में समझना चाहें तो किसी भी तरीके से हम यूएसए को या किसी भी अन्य देश को हम बहुत ही सर पे ना चढ़ाएं। एक बात का ध्यान रखें कि आपको तभी रिस्पेक्ट मिलता है जब आप मजबूत होते हैं। तो इंडिया को तभी रिस्पेक्ट जब इंडिया अपने सामान को मैन्युफैक्चर करके अलग अलग देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।